आज हम आपसे सीखने की कोशिश करेंगे कि ये एक्सट्रीमिज्म जो है ये क्यों साउथ एशिया में स्पेशली पाकिस्तान में इतनी ज्यादा है। अभी हमने T20 के टाइम पे भी देखा कि पहले इस्लाम जीत गया था, जब क्रिकेट जीत जाते थे तो ये कहते थे मैच के जी इस्लाम जीत गया है, और जब हार गए तो सब खामोश हैं, उस वक्त क्या इस्लाम हार गया। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और ये वीडियो को पूरा देखिए, और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप जाके उनके चैनल को विजिट करें और उनका चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज हम आपसे सीखने की कोशिश करेंगे कि ये एक्सट्रीमिज्म जो है ये क्यों साउथ एशिया में स्पेशली पाकिस्तान में इतनी ज्यादा है। अभी हमने T20 के टाइम पे भी देखा कि पहले इस्लाम जीत गया था, जब क्रिकेट जीत जाते थे तो ये कहते थे मैच के जी इस्लाम जीत गया है, और जब हार गए तो सब खामोश हैं, उस वक्त क्या इस्लाम हार गया। और इसी तरह से आगे हमने एक वीडियो भी देखी जो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे आपने भी शायद देखी हो, जिसमें कहा जा रहा है कि किसी और रिलीजन के त्योहार ना मनाए जाए, उनके साथ मिठाई ना खाई जाए, और इस किस्म के बहुत से मौलवियों के छोटे छोटे क्लिप बना के उन्होंने लगाए हैं। तो ये चीजें कब से चली आ रही हैं, स्पेशली इस साउथ एशिया में जिसमें पाकिस्तान भी है शामिल है, और बहुत ज्यादा हम ये देखने को हमें मिलता है, और इससे क्या नुकसान हो रहा है। एक आइडेंटिटी क्राइसिस है जिसके अंदर हिंदुस्तान या पाकिस्तान जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान है उसको ये नहीं पता कि वो है कौन। तो 1,000 साल हो गया है इनको यहाँ आए हुए, एंड दे आर स्टिल वंडरिंग कि ये हिंदुस्तान या भारत में हैं क्यों, क्या गजवा हिंद करने आ रहे हैं, हिंदुओं को मारने आए हैं या भाग के पनाह लेने आए हैं। शियाओं का तो क्लियर है, दुनिया भर में जब उनको कहीं जगह नहीं मिली तो वो हिंदुस्तान में आए, तो उनकी तो समझ में भी आती है। लेकिन जो बाकी हैं, जो अपने आप को तुर्क या अरब या अफगान या पता नहीं क्या कहाँ कहाँ से जोड़ते हैं सिवाय हिंदुस्तान के, तो वो लैक ऑफ आइडेंटिटी, जबान का नहीं होना, जिस जमीन पे रहते हैं उससे वास्ता कोई नहीं, तो उसका नतीजा है ही कि इतनी आइडेंटिटी क्राइसिस हो कि मिठाई, दिवाली की मिठाई से उनका ईमान ख़त्म हो जाए, और इतनी पब्लिकली लोग हिंदुओं से नफरत का इजहार करें। एक दिवाली पर आपको मिठाई दे तो आप ना खाइए, आप पे हराम है ये कहा, और कोई आपको हैप्पी दिव क्या हैप्पी दिवाली कहे तो आप उसको क्या, उन्होंने कहा टू यू कर दें आप, मतलब आप पे कहीं खुशियां मुस्कुराहट ना आ जाए चेहरे पे, खुश ना हो, ये एक पूरा जो हमारा एक आइडेंटिटी है कि सुख या हंसी गुना है, कि हंस के हंसना भी आप देखिएगा उस पे भी लोग कहते हैं जरा मुंह बंद करके और इस तरह करिए, तालियां बजाने पे पता नहीं पाकिस्तान में है या नहीं, यहाँ नॉर्थ अमेरिका के अंदर तो अब मुसलमान कहते हैं तालियां ना बजाएं आप, क्यों? तकबीर ला, वो उससे शैतान आ जाता है शायद। तो ये यानी इट इज सच ए कॉमन ह्यूमन बिहेवियर अक्रॉस बॉर्डर्स एंड कल्चर्स की लोग ताली बजाते हैं खुशी में, लेकिन ये मना किया जाता है, आपके कहा जाता है कि आपके ये तकबीर अल्लाह अकबर, इसी जमाने में वो नारा तकबीर होती थी, आजकल उसको भी शॉर्टन करके नारा हटा दिया है, सिर्फ कहते हैं तकबीर अल्लाह अकबर। तो बदनसीबी है, आप देखिएगा जिन मुल्कों के अंदर सॉडमी इतनी आम हो, मदरसों के अंदर छोटे छोटे बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता हो, वहाँ उतने ही वो हॉस्टाइल होते हैं LGBT राइट्स पे या गे मैरिज, किसी की खुशी नहीं देख सकते ये। अगर जुल्म के तहत किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो वो बर्दाश्त है इनको, क्योंकि वो खुद कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि किसी भी
मुस्लिम सोसाइटी के अंदर किसी एलजीबीटी या ट्रांसजेंडर को भी रहने की इजाज़त नहीं है, वो उसको मार दिया जाएगा। किसी भी बगैर गलती किए हुए उसको सोसाइटी से धुतकार दिया जाएगा। जैसे पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि जो ट्रांसजेंडर हैं, खुसरे जिसे कहा जाता है, वो रहते ही अलग सोसाइटी में, उनको कोई किराए का घर भी नहीं देगा। अब वो अपर क्लास के हो तो वो फिर फैशनेबल हो जाते हैं, उनके पास अमेरिकन पासपोर्ट वगैरह होता है। बट वी आर अ सोसाइटी डिवॉइड ऑफ आइडेंटिटी एंड वी थिंक दैट द लेस हैप्पी वी आर द मोर पायस वी विल बी। अल्लाह ताला हमसे खुश रहेगा अगर हम दुखी रहें और दुख दें। किसी को खुशी ना हो सके, को कह कहा लगा के हंस ना सके, कोई मजाक ना कर सके। दुनिया भर में जो कॉमेडियन होते हैं वो अपने मज़हब का धर्म का मजाक उड़ा के दे फाइंड फनी थिंग्स इन इट एंड पीपल लाफ एट इट। चाहे वो बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, वो कर सकते हैं। मुसलमान तो कर ही नहीं सकता किसी सूरत उसकी यानी ख़ास तौर पे आई एम टॉकिंग ऑन द सबकॉन्टिनेंट मुस्लिम। ईरान में बहुत कुछ हो जाता है इस सेक्टर में। पीपल हुआ सिक्योर इन देयर आइडेंटिटी दे कैन रिलैक्स बिकॉज नौरोज भी है और मुसलमान भी हैं। यू नो हमारे यहाँ तो कोई त्यौहार ही नहीं है, बसंत नहीं मनाई जाती, जो कि एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना है, एक स्प्रिंग फेस्टिवल है। दुनिया भर में स्प्रिंग फेस्टिवल की खुशियां मनाई जाती हैं, प्रिमिटिव सोसाइटीज में इबादत की जाती है, ये सब है। आपके कुछ कर ही नहीं सकते आप सिवाय इसके कि हाँ अब मातम पे भी पाबंदी लगेगी मुझे लगता है कुछ अरसे में। लेकिन सर जहालत इतनी है कि जो हमारे सिंध के गवर्नर हैं उन्होंने इस साल दिवाली के मौके पे होली की मुबारकबाद दे दी सबको, और ना सिर्फ दे दी बल्कि उन्होंने एक पोस्टर सा बना के अपना और कलर उड़ाते हुए, और बाकी मैंने ये नहीं देखी ये मुराद अली शाह साहब की बिल्कुल, और सिंध गवर्नमेंट ने, और सिंध जैसी जगह जहाँ पे सबसे ज्यादा हिंदू कम्युनिटी रहती है उनको ये नहीं पता था कि दिवाली है या होली है, इतने अनजान हैं। और सर सबसे ज्यादा ये कि मुझे ये बताइए कि हर 6 महीने के बाद पाकिस्तान में इस्लाम खतरे में क्यों आ जाता है। सर चले होली मना ली है, बड़ी बात है। आप ये सोचिए कि सिंध वो जगह है जहां से हिंद है, यानी पूरा जो हिंदुस्तान, लफ्ज हिंदू, ये सब सिंध की ओरिजिन है, और वहां मुराद अली शाह साहब, खैर शाह साहब हैं वो तो अरब हुए, फिर शाह और सैयद तो इस धरती के हो ही नहीं सकते ना, वो तो किसी मोहम्मद बिन कासिम के साथ ही आए होंगे। लेकिन सर तालीम ने कुछ बिगाड़ा नहीं उनका, मतलब इंसान पढ़ाई लिखाई किस लिए करता है? नहीं पढ़ाई लिखी इसलिए थोड़ी होता है, OCSS का एग्जाम के लिए तैयारी होती। आप किसको देखा पाकिस्तान में पढ़ते हुए जस्ट टू इनहेंस द नॉलेज? वो GMAT का एग्जाम हो, LSAT का हो, आपको एजुकेशनल एग्जाम्स की बुक्स की सेल ज्यादा होगी बनिस्बत कोई भी और किताब हो। कोई अपना फिक्शन लिख रहा है जो लिखने वाले वो बाहर चले जाते हैं, चाहे बप्सी सिद्वा हो, खैर वो तो मुसलमान ही नहीं है, या दूसरे लोग हैं, अच्छे अच्छे राइटर्स और सब हैं, बट इट इज़ नॉट अ सॉयल इन विच फिक्शन कैन फ्लरिश, क्योंकि फिक्शन बाय इटसेल्फ एक झूठ है। तो कंसेप्ट ही नहीं है फिक्शन का, कहानी का कंसेप्ट ना हो वहाँ आप क्या कहेंगे कि यू आर सेल्फ एडमिटेड लायर, कि आपने अपने मन से एक बात घड़ दी, वो तो दैट मींस यू शुड गो टू हेल। और फैक्ट जो है, जो नॉन फिक्शन है, वो तो आप अपनी जान पे खेल जाएंगे अगर सच की बात करेंगे। तो पोर्ट कासिम ही हुआ ना, पोर्ट दाहिर तो नहीं हो सकता, आप अंदाजा लगाइए कि जिसने हमला किया उसके नाम पोर्ट का नाम रख दिया, और जो उसको डिफेंड कर रहा था उससे कहा ये कहां से आ गया।
लेकिन सर यहाँ पे इतना ज्यादा मजहब मजहब लेके क्यों पाकिस्तान में घूमते हैं? मैंने तो और कहीं नहीं देखा, जहाँ यहाँ तक के जो क्रिकेट टीम है हमारी, अगर आप उसको देखें तो उसमें कई नाम आपको ऐसे नजर आएंगे जो कि जब क्रिकेट खेलना छोड़ देते हैं और कोच वगैरह बन जाते हैं कुछ भी, तो इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां होती हैं और सब, चाहे वो इंजमाम हो चाहे कोई भी हो, ऐसा क्यों है? देखिए, दाढ़ी होना भी कोई बुरी बात नहीं है, मूछ ना होना और दाढ़ी रखना इज द साइन ऑफ ट्रबल, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही इंसान की शक्ल ही नहीं है, ये आप पता नहीं कैसे अपने आप को बना लेते हैं, बट इट इज द सेम थिंग। ये हर फॉरेन टूर पे कहीं गए होंगे, कोई थोड़ा बहुत दारू कोई लड़की क्योंकि साथ कुछ तो मिलाप हुआ होगा ना, तो वो गुना इनके सर पे सवार रहता है कि वो गुना माफ करने के चक्कर में फिर मौलवी बन जाते हैं, वरना और क्या है कि ऑल ऑफ अ सडन यू बिकम, यानी अब्दुल हफीज कारदार थे पाकिस्तान के पहले कैप्टन, फजल महमूद थे, इम्तियाज अहमद थे, हनीफ मोहम्मद थे, ये आप देखिए कोई इस किस्म की, मुश्ताक मोहम्मद इफ यू रिमेम्बर, कोई इस टाइप की हरकत आपको नजर नहीं आती थी कि भागे गए स्टेडियम के अंदर नमाज पढ़ने लग गए। दिस इज एग्जिबिशनिज्म और वो दिखाना चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से जिहाद लड़ रहे हैं, और क्या उन्होंने कहा कि कुफर के बीच में जाके जनाब नमाज पढ़ ली उन्होंने, इसमें कौन सा कमाल है? है कमाल, देखिए साहब मैं क्या बताऊं, जब आपकी आइडेंटिटी ना हो तो आप कुछ तो ढूंढेंगे ना, एक चूहे को यही ना पता हो कि वो चूहा है, तो शेर बन के घूम रहा खाम खा कुचला जाता है, पहली थप्पड़ पड़ता है रैट केज के अंदर बंद होके उसको जाके कहीं डार्विन। मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि वो क्रिकेट खेलने गए थे और ग्राउंड में नमाज पढ़नी शुरू कर दी, और उसके बाद दूसरे यहाँ के लोग जो है वो कह रहे वाह जी वाह हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ दी, और दूसरे दिन माफी मांगनी पड़ी उनको क्योंकि जाहिर लोगों को बुरा लगा। बुरा क्या लगा, हजार साल से हरकत ही आपकी ये है, आप तो किसी और के मुल्क में आके तबाही मचा के खुशियां मना रहे हैं, उस धरती के बाजू काट दिया आपने उठा के, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, दरियाओं को काट दिया, ये कौन से आप दुनिया में कहीं देखिए किन्ने का नहीं साहब, ये दरिया दो हिस्सों में कटेगा, अच्छा इधर के कट गया, कहाँ से उगता है कहाँ जाता है कोई हिसाब ही नहीं है, और ऐसी ऐसी जगहों पे आप समझते हैं कि आपका जुल्म माफ हो जाएगा क्योंकि आप मुसलमान हैं, बाकी सब ने तो जहन्नुम में जाना है, आप थोड़े बहुत वो 6 महीने 1 साल 10 साल ये पता नहीं कितने 100 साल कैद बामशक्कत करके फिर तो इनमें मुसलमान तो जन्नत में ही जाएगा ना, तो किसी सूरत भी वो अपने आप वो अपनी क्रीडेंशियल्स इस्टेब्लिश कर रहा है, एंड अल्लाह मियाँ भी ऊपर से बैठ के इंटरेस्टिंगली देखते होंगे कि क्या कहाँ से आ गए ये लोग, ना जमीन से जिस जमीन पे हैं उसकी सकाफत से नफरत करना तो दुनिया में कोई और लोग ही नहीं है ऐसे, आपको मिलेंगे ही नहीं कहीं कि जो पश्तूनिस्तान में बिलीव करता हो उससे नफरत, जो बलूचिस्तान आजाद मुल्क है उसमें को उससे नफरत, सिंध को सारे सिंधी नेशनलिस्ट को आप कहते हैं कि दे आर इंडियन एजेंट्स, सिवाय पंजाबी के जो खुद अपनी जबान पे पाबंदी लगा दे कहते हैं हम उर्दू बोलते हैं तो हम जो है ना बिल्कुल पाकिस्तानी हैं, ये जो पाकिस्तान नहीं प्रोनाउंस कर पाते वो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी होते हैं। लेकिन सर यहाँ पे एक साहिबा मुझे मिली, मैंने अपने एक वीडियो में जिक्र भी किया था कि वो बहुत भाषण दे रही थी इस्लाम के ऊपर, तो मैंने उनसे कहा कि दूसरे मजहब भी पढ़ने चाहिए, तो पहले तो खैर वो कहती नहीं, आए भाई शाइन करती नहीं, उसके बाद कहने लगी कि पैगम्बर ने मना किया। मैंने कहा कहाँ लिखा है पैगम्बर ने मना किया, फिर कहने लगे हमारे पास टाइम नहीं है, हम कुरान से ही हमें फुर्सत नहीं मिलती। मैंने कहा 30 सिपारे कितना पढ़ेंगी, एक दफा छोड़ दें और जाके गीता या बाइबल पढ़ लें। तो क्यों हमारे यहाँ लोग जो हैं वो कुछ पढ़ने को तैयार नहीं, दूसरे की किताब पढ़े बगैर रिजेक्ट कर देना, एक चीज आपको पता ही नहीं है कि उसमें क्या लिखा है, लेकिन कह रहे नहीं वो गलत है हम सही है, ये चीज क्यों है यहाँ पर? पढ़ना मुश्किल काम होता है, पढ़ना आसान थोड़ी है, इंसान को पिछले 50-60 हजार साल से इस दुनिया में ये हमारी फॉर्म में घूम रहा है, रीडिंग एंड राइटिंग इज अ न्यू फिनोमेना,
आप देखिए कि इस्लाम जब पैदा होता है तो कागज तक नहीं है वहां पे, स्याही नहीं है, कलम नहीं है, अरबी जबान की जो फॉर्मेशन अब है वो उस वक्त नहीं थी, जो उस पे जेर जबर के जो निशानात हैं अरबिक स्क्रिप्ट में, दे डिड नॉट एग्जिस्ट टिल अबाउट 100 इयर्स आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, एन ओरल ट्रेडिशन दैट वाज इंस्क्राइब्ड डाउन ड्यूरिंग हज़रत उस्मान्स टाइम, जिस और उसके नतीजे में कितना कत्ले आम हुआ। तो अब किसको क्या कह सकते हैं, ये तो हम तो अबू सुफियान की दौर में रह रहे हैं ना। द एनिमी ऑफ द प्रॉफिट डिसाइडेड व्हाट इस्लाम वाज गोइंग टू बी, वो भी डमास्कस में बैठ के उन्होंने कहा मक्का में गर्मी बड़ी है यार, या कोई गया ही नहीं उसके बाद मक्का, कभी इस पे ध्यान दिया आपने? कोई एक खलीफा नहीं है पिछले 1400 साल में, कोई नहीं गया यहाँ से, बल्कि वो अपने अकबर बादशाह क्या करते थे, हज पे भेज देते थे एज पनिशमेंट, आप मौलाना साहब जाइए हज करके आइए, पता है वापिस नहीं आता, हाजी लोग वापिस नहीं आते, वो वहीं खत्म हो जाते थे। बट जस्ट इमेजिन दैट वी हैव नो ट्रेडिशन ऑफ रीडिंग और राइटिंग, और आप जिस मुल्क में हैं आपकी लिखाई का खत जो था वो अलग था, जो दुनिया की ओल्डेस्ट राइटिंग ट्रेडिशन हिंदुस्तान की है, आपने सब छोड़ छाड़ के, उन्होंने कहा वो आए थे अब्दुल मियाँ, उन्होंने बड़ी पिटाई की और ये कहा है कि ये करना है। तो पंजाब में आप अंदाजा लगाइए 100% ऑफ मुस्लिम पंजाबीज इलिटरेट इन देयर मदर टंग, यानी दे कैनॉट राइट इट, दे कैन राइट इट इन अ स्क्रिप्ट दैट दे बोरोड फ्रॉम द कॉन्करर्स। जब इंडोनेशिया में भी लोग अपनी जबान में पढ़ रहे हैं ना, मलयालम के अंदर भी है, बंगला के अंदर भी है, तो वी आर हैंडीकैप्ड इन दैट वे, एंड पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता है सच बताऊं। वो रीडर डाइजेस्ट आता था एक जमाने में, तो उसके बाद फिर सैयारा डाइजेस्ट और ये सब निकला, छोटे छोटे उस कहानियों को छोटा करके ना, क्या पप्पू तुम्हें मैं स्टोरी सुनाता हूँ, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर 6 साल चली, ये 10 पेज में लिखा हुआ है। अरे बाप रे बाप, इतना कौन पढ़ेगा सर, अरे पढ़ ले मैट्रिक में पास हो जाएगा। वी आर वेरी इलिटरेट, आप कहीं महफिल में जाके पूछे तो क्या कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, ये आप लोगों को अगर ज्यादा तंग करने में आपको टेस्ट करना है, अब जिस महफिल में जाइए बोले तो आजकल क्या पढ़ रही हैं आप भाभी, भाभी उस दिन आपके खाने में नमक ज्यादा डाल देगी। मुझे वही वो साहिबा कहने लगी कि नहीं मुझे तो कुरान पढ़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन सर जैसे आपने कहा कि ये लड़कियों के साथ घूमते हैं क्रिकेटर्स और सब लोग, और उसके बाद तो ये तो जितनी अरब कंट्रीज हैं या जितनी भी दुनिया में लोग हैं अक्सर लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जितनी बाकी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां तो मैंने नहीं देखा कि वहां के जो फौजी हैं जो रिटायर हो जाते हैं, हमारे तो रिटायर्ड फौजी भी दाढ़ियां रख लेते हैं लंबी लंबी अजीब किस्म की, मतलब कोई शेप में नहीं होती है, और इसी तरीके से जो ये हैं क्रिकेटर्स और ये सब यही करते हैं, तो इन पर अचानक से इस्लाम आ जाता है, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शोर ही पाकिस्तान में मचता है, कभी कहेंगे कि जी फ्रेंच एम्बेसडर को निकाल दो, कभी कुछ कर दो, तो ये चीजें सिर्फ यहाँ पर ही क्यों है, ये वक्त के साथ साथ ये बढ़ता गया है, बढ़ता इसलिए गया कि हर मुसलमान को पता है वो किस सरजमीन से है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं मिलेगा, तुर्की में किसी का पूछें कहाँ का है भाई, तू किसी कुर्द से पूछ ले, किसी बलोच से पूछ ले, किसी बंगाली से पूछ ले, उनको क्लियर पता है कि वो कौन है। ये जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, पाकिस्तान जो बनाया है ना जिन्होंने, उनको पता ही नहीं कौन है। तो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने वो हशर किया है कि जिस 10-10 मिलियन लोगों को मार दिया बंगाल में उसी इस्लाम के नाम पे। तो इन ना, जब आपका ना कोई आइडेंटिटी हो, ना आपको किसी खुशी से अपनी मादरी जबान बोलने की वो क्या कहते हैं प्रिविलेज ना हो, आप कब्बा चले हंस की चाल, वो वाला हिसाब है। दे आर नोबडी, पीपल लाफ एट देम एंड दे डोंट नो व्हाई पीपल आर लाफिंग एट देम।
There is no one on earth who disowns their mother tongue and looks down upon their language and looks up to some other language. तो ये तो ये भी कहते हैं कि हम मतलब अगर ये बात करते हैं हिंदुस्तान की तो ये कहते हैं जी जूनागढ़ भी हमारा है और ब्लैक डे भी मनाते हैं ये 9 नवंबर को जूनागढ़ के नाम पे कि जूनागढ़ पे कब्जा हुआ था तो वो क्या है ये हर जगह पे झंडा लहराने वाले हैं क्या नहीं वो डोमिनियन जो थी इंडियन जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ऑप्शन था कि वो किसके साथ जाएं तो जूनागढ़ की पॉपुलेशन हिंदू थी राजा था आपका महाराजा मुसलमान था वो तो भाग के कराची आ गया और उसने कह दिया जूनागढ़ हमारा अच्छा बीच में जूनागढ़ के अंदर स्टेट था विच जूनागढ़ वाज सराउंडिंग दैट महाराजा ऑप्टेड फॉर इंडिया एंड सो पाकिस्तान मुझे याद है 50s 60s तक पाकिस्तान के मैप में जूनागढ़ होता था इनका बस चले तो ये हैदराबाद दक्कन भी अपने साथ मिलाते इन्होंने जयपुर के बादशाह को कहा था कि आपको डायरेक्ट एक्सेस हम कराची पोर्ट का दे देंगे आप हमें ज्वाइन कर लें एज अ हिंदू मेजॉरिटी प्रिंसली स्टेट मिस्टर जिना वाज ट्राइंग टू गेट देम टू ज्वाइन पाकिस्तान विद द प्रॉमिस के कराची पोर्ट यू विल हैव डायरेक्ट एक्सेस टू इट आप वरना बॉम्बे के थ्रू जाना पड़ेगा और ये सब दिस इज अ कंप्लीट adventure made by the British after Second World War as a buffer state to stop the Soviet Red Army from getting to the Indian Ocean. क्योंकि फौज उनके पास थी दूसरी जंग अजीम जो थी वो तो जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच में हुई थी अंग्रेज अंग्रेज तो पता नहीं इनके को अगर अमेरिका के 1 लाख फौजी मरे तो सोवियत यूनियन के तो 30 मिलियन फौजी मरे कोई कंपैरिजन ही नहीं है लेकिन हमें थोड़ी पता है ये सब बातें हमें तो ये भी नहीं पता नेताजी कौन थे और किस साइड से लड़ रहे थे और लाहौर में क्या कर रहे थे उनका पश्तूनों से क्या ताल्लुक था कोई छोड़ दें अशफाक उल्ला का नाम भी नहीं पता होगा पाकिस्तान में किसी को किसी बैटल ऑफ प्लासी पे मुझे पता है सर वो भी मैंने क्योंकि एक इंडियन फिल्म में नाम सुना था इसलिए मुझे पता है अशफाक उल्ला खान मैंने रंग दे बसंती देखी थी उसमें मुझे कई लोगों के नाम पता चले तो इसलिए स्ट्रेंज ना कि आपकी पूरी तारीख में सावरकर का जिक्र ही नहीं है वो यूरोप से लड़ता लड़ाते काले पानी में क्योंकि काले पानी एंडमैन आइलैंड्स में चौकीदार लोग हम होते थे आप ये आपको पता है ना पूरी इंडिया एक तरफ थी लेकिन जो गार्ड्स थे काला पानी में वो तो हम थे आपको पता है हम मार्शल रेस है ना तो अंग्रेज ने कहा इन्हें फड़ लियो तो और जहां भी चौकीदार कर साडे बंदियां नू बंद कीता लेट देम रॉट ओवर देयर इन हेल तो हमारा तो ये हिसाब है कि जब आजाद हिंद फौज डिसमेंटल हुई तो नेताजी की डिसबैंडेड आर्मी इंडियन नेशनल आर्मी के लोग पाकिस्तान आर्मी में घुस के कश्मीर के अंदर गए लड़ने दिस इज समथिंग दैट नोबडी टॉक्स अबाउट कि जब INA डिसबैंड हुई कराची में रिन म्यूटनी रॉयल इंडिया म्यूटनी भी हुई उनके खिलाफ कराची पे कब्जा भी किया अपने लोकल इंडियन सेलर्स ने बट After disbandment, the INA soldiers immediately turned into Muslim warriors. Because Netaji ki fauj mein there was an equivalence. Shahnawaz Khan the. He was quite visionary in such a way that female officers were in his army, and he made sure that Hindus and Muslims and Sikhs were equally represented in the. In the command of the INA. जैसे ही पाकिस्तान बना उन लोगों ने कहा है स्वाते मिट्टी जिथे दिखो थी वहीं जाके इन्होंने कश्मीर में नारा तकबीर लगा के हिंदुओं को उसे मार वो अपने गुनाह माफ करने के लिए हिंदू मारने के चक्कर में मिले सो वी हैव अ बिजार व्यू ऑफ हु वी आर
नाम आप सोचिए, कभी किसी का नाम इंडियन सुना आपने पाकिस्तान में, या इंडिया के मुसलमान का नाम इंडियन? हर कोई नहीं है ना, अपने अरबी और मोहम्मद बिन कासिम और अफगान और इधर उधर के नाम लेके सैयद और नकवी और जैदी लगा के वो खुश बैठा हुआ, वो मानता ही नहीं तो, हिंदुस्तान से। अभी तो सर रिसेंटली एक क्लिप मैंने देखा टीवी, किसी टीवी चैनल का था, और उसमें हिंदुओं को बड़े गलत नाम से पुकारा जा रहा था, बात की जा रही थी और सब तालियां बजा रहे थे ऑडियंस बैठ के, और जब उसके ऊपर हम लोगों ने ट्वीट्स की और कई लोगों ने उस पर कहा, तो फिर उस चैनल के एक जो वहां पे एंकर है या कुछ, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो 4 साल पुराना क्लिप है और हमने हटा दिया था और हमने माफी भी मांग ली थी। लेकिन ऑन एयर होने कैसे दिया इन्होंने इस तरह से कि किसी दूसरे रिलीजन को कि आप इंसल्ट करें, किसी दूसरे रिलीजन के लोगों की इंसल्ट करें, ये क्यों पाकिस्तान में है? सिर्फ पाकिस्तान का मकसद ही, पाकिस्तान बना ही इसलिए कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत हो, बुद्धिस्ट को हो, ये इससे घबराने की यार क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए आपको। दिस इज द डिफेक्ट, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल आवर फ्यूचर, या हाउ वी एक्सपैंड आवर नॉलेज। इट्स फंडामेंटल बेस इज दैट वी आर हियर टू डिस्ट्रॉय हिंदुइज्म एंड डिस्ट्रॉय एवरी हिंदू टेम्पल, वरना रोज़े क़यामत नहीं आएगी, और अगर रोज़े क़यामत नहीं आएगी तो वो हूरें नहीं मिलेंगी, और वो इट्स अ एब्सर्ड थिंग। नहीं, नस्ल में लाइफ अतुल करीब है, अन करीब आपकी जीत आने वाली है। ये हिंदू बनिया क्या कर लेगा, अरे इसको क्या पता, ये सब द एटीट्यूड ऑफ कंटेम्प्ट फॉर अदर पीपल इज जस्ट हॉरिफाइंग। जो दुनिया में मुझे नहीं दिखता कि कहीं लोग एक दूसरे को इस तरह जज करते, वो हम आर डिफैक्टो स्टार्टिंग पॉइंट इज दैट कि ये हिंदू क्या बेचता है, ये सब्जी खाने वाला क्या कर लेगा, एक मुसलमान 10 हिंदू को वैसे ही पीट डालता है, ये पिटते रहते उसके बावजूद कहते रहते, अरे भैया हिंदू बनिया क्या कर लेगा। आम जबान में है ये, द वर्ड हिंदू इज अ कंटेम्पचुअस वर्ड, उससे गलत इंसान उसको धुतकारने से ज्यादा कोई वर्ड नहीं है हमारी वोकैबुलरी में। इज द अल्टीमेट इंसल्ट हिंदू के औलाद, जिसकी जमीन पे बैठे हैं आप, ये इंडस सारा हिंदू है, ये इंडस है, ये हिंदू है, उनके दरिया पे बैठ के उनको गालियां दे रहे हैं, उन पर कब्जा करके कह रहे हैं कि हमने तो कब्जा कर लिया, कर लो जो करना है, हिसाब है। जैसे सिंध में मैंने तो सर पीछे आप देखे, मैंने तो स्टैचू रख लिया लाके। हाँ हाँ, आपने बुद्धा का लगाया, फर्स्ट स्टेप है, कृष्णा का लगा देती तो और दिल मिला नहीं सर, मिल जाता तो शायद मैं वो भी रख लेती, लेकिन मुझे मिला नहीं। मुझे एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं आपको यहाँ टोरंटो में डाउनटाउन में मैं ला दूंगा, या मैं हमारे पास जो वो भेज दूंगा, क्योंकि आप हिंदुस्तान की आप हैं कैसे इस जमीन पे? आपको बमियान स्टैचू तोड़ने पे इतनी खुशी हुई आपको? आप में से किसी ने ये नहीं सोचा कि ये कैसे बना है? किसी ने उसकी ग्लोरी नहीं देखी आपने कि किसी ने किसी बुद्ध, और ये भी नहीं किसी ने पूछा ये इधर क्या कर रहे हैं, क्योंकि फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि गंदहार तो गंदहार नहीं है, गंदहार ही से है, एंड दैट इज ऑफ हिंदू नेचर। ये काबुल, पिशावर, ये सारे पहाड़, ये सब दीज आर ऑल aspects of Indian civilization, because Indian क्या है word, वो तो बाद में बना है ना, Indus civilization है ना, मोहनजोदारो से ही ये सब निकला है। हम तो आज तक मोहनजोदारो को नहीं समझ सके कि ये कहाँ से आ गया बीच में, अरे ये कैसे अल्लाह ने इनको बर्बाद क्यों नहीं किया? We have no respect for मोहनजोदारो। जो लोग अपने पास्ट से इतनी नफरत करते हो, आपने कभी नहीं देखा होगा पीपल टेकिंग प्राइड इन द फैक्ट दैट वी आर होम टू टेक्सिला और मोहनजोदारो, और हम तो चीन के आगे पूरा कोस्टल रीजन भेज दिया हमने। अब तो सुना है सिंध की जो कोस्ट है वहां पे भी चाइनीज हैं सिर्फ जी,
बीचेस, वो मनोड़ा भी जाएगा और किमाड़ी भी जाएगा, एक दिन देखिएगा वो सी बीच अपार्टमेंट जो बनते हैं। वो तो सर क्योंकि हमें, वो तो हमें जो पैसा देगा हम उसके पास जाते हैं बिल्कुल, तो अमेरिका के आगे भी और चाइना के आगे भी। अमेरिका ने ऐसे कब्जे नहीं किए किमाड़ी या मनोड़ा पे। ये तो सुना है कि आइलैंड जो है कराची के सामने के, और जो कराची से मशरक में कच्छ की तरफ जो जगह जाती है वहां तक चाइनीज आ गए, यानी मछेरे नहीं, पाकिस्तान या सिंध या बलूचिस्तान के मछेरे अब वहां फिशिंग नहीं कर सकते। They are selling everything and they are fully authentic Muslims of the highest order. और हर जनरल जो है वो फिर आके कनाडा में बस जाता है या ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। वो तो है सर, लेकिन हमने तो यही देखा है जो हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि शुरू से पाकिस्तान जब से बना है, ये जितने भी ये चाहे फौजी हो चाहे फौजी ना हो, ये मजहब को ही बेचते चले आए हैं, मजहब ही का चूरन जो है वो लोगों को खिलाते आए हैं, और अभी तक 2021 तक लोगों को अकल नहीं आ रही है और लोग अभी तक उसी के ऊपर लड़ रहे हैं, उसी के ऊपर मर रहे हैं। भाई आप जब पढ़ेंगे नहीं तो यही होगा ना, 250 million पीपल एंड इफ यू सेल 500 कॉपीज यू आर अ बेस्ट सेलर। आपके यहाँ ही किताबें वजन से बिकती है ना, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, 400 रुपए किलो है या क्या है, तो पढ़ी लिखी आंटियां अपने पर्दे और सोफे के कलर और बुक्स को मैच करके सेटिंग कर देती, वो इंटीरियर डेकोरेटर्स होती हैं, वो बाजी इसको ऐसा सेट कर दें, नीली किताबें इधर लगा दीजिए, नई पर्दा एडजस्ट करें, पीली वाली इधर करते हैं। आप बाजार से प्याज और रोटी और टमाटर और किताबें खरीद के वजन से आ जाती। और एक सर यहाँ पे एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक यहाँ पे जो कहते हैं ना जी ऑनर किलिंग कर दी, बड़ी हमारी इज्जत खराब कर दी थी लड़की ने, ये चीज क्यों है यहाँ पर? मैं अक्सर देखती हूँ कि खबरें आती हैं कभी कोई स्पेशली लड़कियों के लिए कि वो कोई अपनी मर्जी से उसने शादी कर लिया, कुछ कर लिया, या अपनी मर्जी का कोई प्रोफेशन उसने ज्वाइन कर लिया, तो जी बड़ी हमारी इज्जत खराब हो गई है, और उसके बाद जो है उसको मार दिया जाता है। हमारे सामने कंदील बलोच का भी एक जो है वो केस है। ये इस तरह की चीजें यहाँ पे क्यों है, ये क्यों, और इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता? कैसे कंट्रोल करेंगे, तो इस्लामिक ट्रेडिशंस में आ जाता है ना। अच्छा, कि हु ओन्स द वुमन। आपको पता है कि जॉर्डन के अंदर, दिस माइट नीड फर्दर कंफर्मेशन, इफ द मर्डरर कैन प्रूव दैट ही किल्ड हिज सिस्टर टू सेव द फैमिली ऑनर, दैट इज अ डिफेंस फॉर हिम नॉट टू बी इम्प्रिजन्ड और सेंट टू डेथ फॉर मर्डर। A woman is cattle. सीधी बात है, जब आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि चार शादियां करेंगी और जो तुम्हारे सीधे हाथ में है तुम किसी को कभी भी उठा सकते हो, सेक्स स्लेव्स का कंसेप्ट है पूरी हिस्ट्री में, चाहे वो ऑटोमन थे या अवध के नवाब थे जिनकी 200 बीवियां थी शायद जो कलकत्ता गए वहां से, या आप देख लीजिए क्या कहेंगे जो आयतुल्लाह खुमैनी वगैरह के फतवे हैं बच्चों के ऊपर, जहाँ 9 साल की बच्ची को परमिशन हो, आप मर्द को परमिशन हो कि उसको अपनी बीवी बना ले, और फतवे हैं सारे, फतवे आलमगीरी पढ़ लीजिए, वो तो आपने शायद बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया था उनके साथ अपने हिंदुस्तान के जो संजय दीक्षित ने, तो I was quite taken aback at the depth of knowledge he had over the history of Islam in India. But कहीं कहीं उन्होंने भी ऐसी बात की थी कि मैंने कहा कि मुझे मरवा देंगे, क्या बोल रहे हैं? तो बोल तो सही रहे थे, he was right. मगर यहाँ के लिहाज से जो था वो कुछ थोड़ा सा मैं भी डर गई थी एक दो सेकंड के लिए। तो भाई आप जब तक एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हर किस्म की किताब को पढ़ने की इजाजत देंगे तभी तो पता चलेगा ना। पाकिस्तान में किसी ने हिंदू धर्म पे कुछ लिखा ही नहीं है, किसी को आज तक ये नहीं पता कि लाहौर राम के बेटे के शहर का नाम है और कसूर भी।
नो देयर इज नॉट अ सिंगल हिंदू लिविंग देयर. तो क्या कर देंगे आप पिशावर वाले को, क्या समझाएंगे आप कि दिस वॉज अ टाउन वेयर पूरा कश्मीर वॉज द सॉर्ट ऑफ अ बर्थ प्लेस ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन. ये तो पता ही क्या बताते हैं, ये कहते हैं हिंदू कुश को बताते हैं कि यहाँ पे हम ले जाके हिंदुओं की गर्दन काटा करते थे, इसलिए इसको हिंदू कुश कहते हैं. अजीब अजीब किस्म की बातें करते, अजीब अजीब किस्म की बातें करते हैं, और एम्बैरेसमेंट होती है और शर्मिंदगी होती है कि किस किस्म के लोग. एम्बैरेसमेंट क्या होता है, द ओनली आंसर टू जहालत इज टू कन्फ्रंट देम बाय रीडिंग इवन मोर. अभी ये आजकल ट्विटर पे स्पेसेस में बात होती है, किसी ने वहाँ बीच में कह दिया, कह रहे ये तो आपने, आप जो किताब है मेरी चेसिंग मिराज, वो तो आपने किसी का वो चोरी किया ट्रांसक्रिप्ट और वो छाप दिया, हम जानते हैं कौन क्या कर. ये कनाडा में 25-30 साल 40 साल रहने के बाद का एटीट्यूड है. देयर इज एब्सोल्युटली नो इम्प्रूवमेंट इन एनी फॉर्म in their view of the world after living a generation jahan fundamental law jo hai wo constitution hota hai, jiske andar mulk todne pe vote hota hai, jiske andar almost the most from the most outrageous to the most educated are free to run for elections, wahan hamare लोगों का एटीट्यूड होता है कि 10 आदमी 10 मुसलमान इस दफा इलेक्ट हो गए जनाब, 10 देखते रहिए. वहां मैंने कहा 100 साल में बर्बाद कर दोगे कनाडा को, फिर खुशियां मनाओगे, एक टांग पे नाचोगे भंगड़ा डालोगे. इट्स कैटास्ट्रोफिक बिकॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द एविडेंस होल्ड्स, देयर कंटेम्प्ट फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट. कि वो आज भी समझते हैं कि जब रसूलुल्लाह ने कहा कि जहालत की जो बात की तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था. अरे वो तो तुम अरबों को कह रहे थे भैया, हमें थोड़ी कहा. बट दे डू नॉट, दे रियली थिंक दैट दे आर द प्राइज्ड गिफ्ट दैट गॉड हैज सेटल्ड ऑन अर्थ. लेकिन सर सबसे बड़ी जो कहना चाहिए अफसोसनाक बात है वो ये कि आज जो इंडिया के लोग हैं और जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी पहचान ये कि भारत को पहचाना जाता है उसकी एजुकेशन की वजह से. वहाँ के जो लोग बाहर जाते हैं चाहे कनाडा जाएं या दुनिया के किसी हिस्से में, वो अपनी तालीम की वजह से जाते हैं और हमें चंदे मांगने डोनेशंस के पीछे और भीख मांगने के लिए समझा जाता है. देखिए इंडिया को माना जाता है क्योंकि वहाँ चेसी जादू, वहाँ न्यूमरल सिस्टम इजाद हुआ, जीरो आपको हिंदुस्तान से आया, पूरी आपकी अब्बासी डायनेस्टी जो है पूरे बगदाद के अंदर देवर इंडियन स्कॉलर्स ओवर देयर. विवेकानंदा टाइप का तो आदमी नहीं आपने पैदा किया ना, जो जाके अर्ली 20th सेंचुरी में अमेरिका में बोल के आया कि मजहब क्या है. ना अम्बेडकर टाइप का कोई आदमी आपके पास, आपके पास कौन है जिसने को विजन दिया हो किसी चीज पे. बुल्ले शाह, आपने उसको इलाकाई शायर कर दिया, बजाय इसके कि उसे नेशनल पोएट मानते, ये इकबाल के दोगलेपन को सेलिब्रेट नहीं करते. द मैन हु इज क्रूकेड इनफ टू चीट हिज ओन पोएट्री इज अ नेशनल पोएट. पहले उन्होंने तराना लिख दिया हिंदुस्तान का, और फिर कौमी तराना लिख दिया, पहले लिख दिया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर उन्होंने कहा भाई ये क्या कह रहा है, उन्होंने कहा चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, वो मिल्ली तराना लिख दिया. और दोनों में अपनी ही कॉपी की, वही रिदम और वही स्टैंजा, सब कुछ वही मिला के कर दिया. और फिर एक पाकिस्तानियों ने उनका यूं सोचने का कर दिया कि बड़ा थिंकर था. अरे पोज बना कर दिया, ऐसे बैठा हुआ एक आदमी बोला अबे क्या थिंक कर रहा है. अगर अभी होते, अगर अल्लामा इकबाल अभी होते तो यूं के बजाय यूं बैठे होते सर पकड़ के. ना, वो एक्टिंग थी. आज भी ऐसे नहीं कर रहे होते. He was ashamed of his nani who was sick. He never wrote one line in his own language. उसको ईरान में इकबाल लाहौरी कहते हैं. ये सब के सब जो आपने चुने
नेशनल हीरोज आपके दे वर फ्रॉडुलेंट इंटेलेक्चुअली फ्रॉड्स। जिन्होंने कुछ लिखा है, आप मुझे एक बताइए जिना के लिखे हुए खत का किसी आदमी को किसी अखबार में ऐसे कोई कॉलम, बैठे हुए आप लंदन में, सेकेंड वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाती, बोल्शेविक रेवोल्यूशन आ जाता है, उस बंदे में उसको असर ही नहीं हुआ। 10 days that shook the world लिखा गया उस जमाने में, it was an earth shattering event that shook up everything, जो सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर या जिसको लेनिनग्राड कहा गया, उसको ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पता, ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पता, ना वो कभी नेताजी से मिला। जब चाइनीज क्वामिनटोंग वाले आके दिल्ली में मिले कांग्रेस के लीडर्स से, तो जिना साहब को बताना पड़ा कि क्वामिनटोंग वो चाइना की नेशनलिस्ट लीडर है, वो हैं ये, ओ तो फिर हम भी मिलेंगे। यू हैव टू हैव सम सब्सटेंस टू बी कॉल्ड कायदे आजम। जब आपने कायदे आजम द ग्रेट लीडर का पैमाना सेट किया कि ही हैज टू हैव नेवर रिटन अ सिंगल वर्ड इन हिज लाइफ, तो फिर तो एक चीज और बहुत बड़ी डिफरेंस मैंने देखा है सर, लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि गांधी जी को बहुत कुछ कहते हैं इंडिया वाले, मतलब जाहिर इंसान थे, बहुत सी गलतियां उन्होंने की होंगी तो कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में मतलब आप एक वर्ड यहाँ पे कोई नहीं कह सकता कि जिन्ना ने ये गलत किया या ये उनसे गलती हो गई, यहाँ पे कमीशन नहीं कह सकते। पूरे पख्तूनिस्तान बलोचिस्तान सिंध के अंदर बड़ी गालियां देते हैं लोग, खुल के गाली देते हैं, लेकिन वो असल में इंसान नहीं है ना, वो सिंधी हैं ये बलोच हैं ये पश्तून हैं, उर्दू बोलने वाले तो वो होते हैं इंसान, ये बाकी तो जानवर लोग हैं, इनको क्या पता मकरानियों को क्या होता है जिना और क्या नहीं। ये कैसी बेवकूफ कौम है जो जिसका लीडर बीमार पड़ जाए तो बजाय हॉस्पिटल भेजने को उसे ज्यारत भेज दें, कभी सोचा आपने ये कितने डबल? और एम्बुलेंस, और सर एम्बुलेंस का फ्यूल भी खत्म हो गया था, वो भी कहा जाता जाने दे एम्बुलेंस। आप लियाकत अली खान ने कहा बुड्ढे को भेज दो, दे वी हैज टू चेक बुड्ढा मरा नहीं मरा, ये वो शख्स लियाकत अली खान जो पाकिस्तान कभी रहा ही नहीं और आते के साथ ही प्राइम मिनिस्टर बन गया, बताइए वो आया वहां से हरियाणा से, मैंने वो देखी भी है जगह जहाँ वो जैसे मुशर्रफ साहब भी तो लाए थे ना, शौकत अजीज ही नाम था ना जो मुशर्रफ साहब लाए थे, वो भी तो कहीं और से बैग लेकर आए थे और चले गए। मुशर्रफ साहब के अब्बा हजूर बैग में 50,000 या कुछ ऐसे पैसे लेके फॉरेन एम्बेसडर बन गए, अपॉइंट हो गए तुर्की में, लूट मार चल रही थी उसके अंदर क्योंकि कायदे आजम लूट रहे थे, उन्होंने हॉक्सबे और सैंडस्पिट के जो हट थे जो अंग्रेजों ने छोड़ के गए थे जो कराची के थे वो अपने नाम करवा लिए थे, वो बिके बाद में, एम्बेसीज को बेची। पाकिस्तान अमेरिका के पहला रेजिडेंट जब जिना से मिलने आया तो जिना साहब ज़मीनें बेच रहे थे उनको, जब उसने कहा हमने एम्बेसी की ज़मीन खरीद ली है आप फिक्र ना करें, तो वो उठ के चले गए फातिमा जिना के नाम कागजात दिखे, अच्छा बाकी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये प्लॉट भी हमारा है ये इधर। This is your leaders. वो नेहरू से कह रहे हैं भाई यार रिटायर होने के लिए तो मैं इंडिया आऊंगा तो मेरा घर नहीं भेजना, कैसे खुदा की कसम। इलेक्ट हुआ तू बंबई से बात कर रहा है लाहौर की, तोड़ ताड़ के कहता है तब मैंने काम कर दिया, अंग्रेज ने जितने पैसे दिए थे अब मैं वापस जाता हूँ बॉम्बे। लेकिन उनको तो टीवी था और उन्हें तो पता था लाइफ इतनी है नहीं, फिर इतना पैसा क्यों जमा करेंगे? कौन नहीं जमा करता, साथ कौन लेके गया? जो बहन अंग्रेजी नहीं बोलती थी उससे उसने सारी जिंदगी नहीं मुलाकात की, शीरीन भाई से। फातिमा जिना क्योंकि डेंटिस्ट थी इंग्लिश बोलती थी उसके साथ रहता था, ना बेटी ने एक्सेप्ट किया, उसकी फैमिली अलग है, उसको आग कर दिया कि तूने पारसी से शादी कैसे की और खुद अपने दोस्त की बेटी भगा के ले गया। आई मीन व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ पाकिस्तान? योर फादर ऑफ द नेशन शुड बी चार्ज पोस्टमसली फॉर सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ अ माइनर।
16 साल की लड़की पार्टनर की भगा के ले गया, 18 साल तक साथ रहे वो, जिसे कहते हैं लिविंग इन सिन, एंड देन शादी कर ली 18 साल के। ना भाई अब क्लियर, अब क्लियर है सर, आप जो मर्जी करें, 18 साल की हो गई बच्ची, अब ले जाए भगा दे आप। What sort of a person in a country, what do you expect? जिसके जो मेजोरिटी कंट्री की हो, वो क्या हमको नहीं चाहिए ये नाम? भैया आप ले जाइए, खुदा के वास्ते गलती होगी माफ कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान। 56% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन थी ना ईस्ट पाकिस्तान की, अरे वो जंग जीत गए उन्होंने, उसके बावजूद कहा मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाकिस्तान का। शेख मुजीब वॉज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही सेड आई डोंट वॉन्ट टू टच दैट लैंड। इसमें झूठ, घटियापन, फौजियों के जूते चाटना, इसके अलावा कुछ नहीं है। सो दे सीसीडेड, यू विल नेवर हियर इन ह्यूमन हिस्ट्री दैट द मजॉरिटी सीसीडेड अवे फ्रॉम द माइनॉरिटी, के माफ कर दो गलती हो गई भैया, तुम्हारा रंग गोरा है मान लिया, तुम जाओ और किसी और के यहाँ। ऑर्गेनाइज रेप ऑफ 400,000 बांग्लादेशी मुस्लिम वुमेन वर रेप बाय पाकिस्तानी सोल्जर। लेकिन अब देखें ना सर, उन्होंने कितनी तरक्की कर ली। मैं तो कई बार कहती हूँ कि इनको अब माफी मांग लेनी चाहिए 71 में जो कुछ हुआ उसके लिए। कौन माफी मांगेगा? उनको जरूरत है आपकी माफी की। दे आर लीडिंग इंडिया इन वर्ल्ड को, 10% अ ईयर की उनकी प्रोग्रेस चल रही है। आप भिकमंगियों की तरह, जिसको आप कहते थे भूखा बंगाली, आज आपको वो आईने में शक्ल अपनी नजर नहीं आती। इमेजिन दैट, ये हम, आप यू आर वेरी यंग, यू वोंट रिमेंबर, इनका नाम था भूखा बंगाली। लोग कहते थे अब अरे ईस्ट पाकिस्तान चलते हैं, वहां 6 आने में प्रोस्टिट्यूट मिल जाती है। ये दीज आर व्हेन वी वर इन कॉलेज इन यूनिवर्सिटी, पीपल यूज्ड टू गो ऑन सेक्स टूरिज्म इन चिटागोंग और ये करके आते थे वापस। अरे यार उधर अभी तक कहा जाता है सर, अभी तक जहाँ पे कोई मतलब खाना देर में पकड़ा और कोई बहुत शोर मचाए तो कहते हैं ये तो भूखे बंगाली जैसे शोर मचा रहे। देखो यार अभी तक ये किसी भूखी कौम तो इससे आप कर रहे हैं, आपने झंडा पीछे लगाया हुआ है वो काफी है, इससे ज्यादा नहीं करें। वो अल्लाह का शुक्र है पीछे बुद्धा मियां ऊपर बैठे हुए आपके, आई होप ब्लेसिंग्स आएंगी। हाँ वो कितना ग्रेट आदमी पैदा हुआ बताइए, हिंदुस्तान में कैसा कैसा जहीन आदमी पैदा हुआ। और हर वो शख्स जो कंट्रीब्यूट कर सकता है उसको हमने लानत भेज दी। आप चाहे बात कर दी, रामायण की बात कर लीजिए, आप समझ लीजिए कि अच्छा साहब कहानी गढ़ ली है। कहानी भी तो गजब की है, अगर इफ इट्स नॉट ट्रू कुछ तो अडॉप्ट करो, बोलो ये हिंदुओं की कहानी है। रावण कौन था, लंका क्या है, ये कुछ तो बता दो बच्चों को। बिलीव मी, मैंने इन बाय 56-57 में आई रेड ऑल दिस इन स्कूल, इट वाज टेकन अवे फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग। राम सीता ये सब कुछ हमने अपने पाकिस्तान में इन द लेट 50s पढ़ा है। टेक्स्ट बुक शायद पाकिस्तान के पास नहीं हो, दैट मे बी द रीजन, बट इवन फिजिक्स केमिस्ट्री हर किताब जो थी हमें इंडिया से आती थी, उनके ऑथर्स की आती थी। अभी इकोनॉमिक्स में भी हर चीज सुब्रमण्यम नाम का, ये सब हमने पहले नाम हिंदुओं के पढ़े टेक्स्ट बुक्स में। पाकिस्तानी को जिसने किताब ही नहीं लिखी फिजिक्स या केमिस्ट्री पे। नहीं सर, और एम्बेरस इतना ज्यादा रहते हैं। मैं लास्ट में यही बताना चाहूंगी, एक हमारे रिलेटिव है, मैं उनके घर गई तो उनका बच्चा था ऐसे कोई 8-9 साल का होगा, और वो कोई कार्टून वार्टून टीवी पर आ रहे थे और शायद वो हिंदी में डब थे तो वो केबल से आ रहे थे, तो उसने आके पता नहीं कोई बात की अपने पेरेंट्स के साथ और कहने लगा आपको तो मेरी चिंता ही नहीं है। तो उसने ये वर्ड चिंता यूज किया है और वो जो उनकी अम्मा जानती है वो कहने लगी कि ये केबल कटवाओ, इसकी जबान खराब हो रही है। मैंने कहा इसमें जबान खराब होने की क्या बात है, अगर उसने हिंदी में कोई बात बोल दी है, और वाकई में उन्होंने कटवा भी दिए मैंने सुना। तो वो यहाँ पे तो लोग इतना एम्बैरेस हो जाते हैं अगर अगर बच्चा भी उनका हिंदी में बात कर ले तो ये तो हाल है यहाँ पे, इसका क्या होगा। लेकिन ये कि कोशिश है कि कुछ ना कुछ लोग निकले और कुछ थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को इंसान बनाए। बहुत शुक्रिया सर।
कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच फॉर काइंड ऑफ यू। ओके टेक केयर, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए, अगली वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।